हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो लेजिस्लेशन चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010, जो कि एनजीटी के नाम से आता है। तो ये मोस्टली एनजीटी के नाम से ही पूछा जाता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आ चुका है ये पेपर में। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट जो है, एनजीटी एक्ट, ये बनाया गया है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फिर जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं, तो उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है कि जो भी इन्वायरमेंट से इफ़ेक्टिव अगर कोई पर्सन है, उसकी प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है, तो ये जो एक्ट बनाया गया है, ये एक्ट जो है वो प्रोवाइड कराता है, उनका कंपनसेशन करता है, मतलब उनको जो उनकी जो क्षतिपूर्ति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति को पूरा करता है। और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं उनको स्पीडी, मतलब इफ़ेक्टिव तरीके से और एक्सपेंडिशियस डिस्पोजल उन केसेस का करता है, मतलब बहुत ही स्पीडी यहाँ पे केसेस जो हैं वो उनको सॉल्व किया जाता है। तो एक्सप्लेन कर देती हूँ, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल फॉर द इफेक्टिव एंड एक्सपेंडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, इंक्लूडिंग इन्फोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट एंड गिवन रिलीफ एंड कंपनसेशन ऑफ डैमेज टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी। तो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि वो ये एक्ट बनाया गया है किसके लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, मतलब जो वनों का संरक्षण है, पर्यावरण का जो संरक्षण है, या फिर जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, उन पे जो भी लीगल राइट्स हैं उनको अप्लाई करना, और जो पर्यावरण संरक्षण से या प्राकृतिक चीज़ों से जो भी किसी व्यक्ति को या उनके प्रॉपर्टी को, उनके मतलब व्यक्ति और उनकी संपत्तियों को जो नुकसान हुआ है उनके लिए हेल्प और उनकी क्षतिपूर्ति यानी कि उनका कंपनसेशन कराने के लिए ये जो है एक्ट जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो ये हैं, द स्पीडी एंड इफ़ेक्टिव डिस्पोजल ऑफ ऑल द केसेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं या जो पर्यावरणीय संरक्षण है, तो उनके उनसे रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं तो उनको स्पीडी और इफ़ेक्टिव डिस्पोजल करना, मतलब उनको जो है जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व करना केसेस को, तो वो एनजीटी के अंतर्गत आता है। सेकेंड दिया हुआ है, इट्स मेन एम इज़ टू लीगली इन्फोर्स ऑल द राइट्स रिलेटिंग टू द इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं, जो मतलब जो पर्यावरण से जो भी उनसे रिलेटेड राइट्स हैं, तो उन राइट्स को लीगली जो है इन्फोर्स करना, मतलब लीगली इन्फोर्स करने का मतलब ये कि उनको जो है अप्लाई करना, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना, तो वो भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा इट अकाउंट्स फॉर प्रोवाइडिंग कंपनसेशन एंड जस्टिस टू ऑल द अफेक्टेड पीपल इन केस ऑफ एनी डैमेज, मतलब पर्यावरण संरक्षण में या किसी भी तरीके से जो है जो पीपल अफेक्टेड होते हैं या उनकी प्रॉपर्टी अफेक्टेड होती है, तो उनको जो है कंपनसेशन जो है यानी कि उनकी जो क्षतिपूर्ति है वो करना और उनको जस्टिस दिलाना, वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट के अंतर्गत आता है। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट, मतलब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम, जो कि 2010 में अप्लाई किया गया था, तो इसका मेन काम क्या है कि जो पर्यावरण प्रोटेक्शन, मतलब पर्यावरण संरक्षण है, यानी कि जो वन संरक्षण है या फिर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण करना, तो उसके अंतर्गत जितने भी लॉ, उनके जो भी राइट्स आते हैं उनको अप्लाई करना, प्लस जो पर्यावरण से रिलेटेड या प्राकृतिक संसाधनों से किसी भी व्यक्ति का, उनकी संपत्ति का अगर कोई डैमेज होता है, उनका कोई नुकसान होता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति, उनकी सहायता करना, वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट में आता है। इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जितने भी पर्यावरण इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और जो अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, चाहे फिर वो नए केसेस हो या फिर पुराने पेंडिंग पड़े हुए केसेस जो हैं, उनको भी ये बहुत स्पीडी और इफ़ेक्टिव डिस्पोजल करते हैं। उसके अलावा सेकेंड
जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन एम है इनका क्या, कि लीगली इन्फोर्स ऑल द राइट्स, मतलब जो पर्यावरण से रिलेटेड, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं उनको लीगली इन्फोर्स करना, वो भी एनजीटी के अंतर्गत आता है. कंपनसेशन प्रोवाइड करना, मतलब जो पीपल हैं उनकी, जो अफेक्टेड पीपल हैं, जो एनवायरनमेंट से अफेक्ट हुए हैं किसी भी तरीके से, तो पर्यावरण से किसी भी तरीके से उनको हानि पहुंची है, तो उन पीपल को, उन व्यक्तियों को, उनकी संपत्ति को, उनकी प्रॉपर्टी को कंपनसेट करने के लिए, उनकी क्षतिपूर्ति, उनकी हेल्प करने के लिए भी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट अप्लाई किया जाता है. तो ये तो था एनजीटी, तो मोस्टली एनजीटी के नाम से पूछ लिया जाता है. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.